हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो भाई लोगों, आज हम लोग करने वाले हैं डुओ। तो गाइस, यहाँ पर आपको तीन लोग जरूर दिख रहे होंगे, बट यहाँ पर एक बंदा मीडियम है जिसने हम दोनों को इनवाइट किया है। तो आज इस बैटल में फीचर हो रहे हैं गाइस राणा जॉय एंड मैं, आपका होस्ट। सो गाइस, ये जो इसकी प्लानिंग बहुत टाइम चल रही थी, राणा भैया पीछे पड़े हुए थे कि यार डुओ करना है, डुओ करना है, डुओ करना है। अब राणा भैया पता नहीं कहाँ कहाँ से ज्ञान चूस चास के आते हैं और यहाँ सारा बता देते हैं। तो मैंने बोला ठीक है राणा भैया, चलो करते हैं डुओ। तो कल से बात हो रही है राणा जी से कि डुओ करना है, डुओ करना है। राणा जी की एक आदत है, मतलब वो तुम्हें बोल देंगे प्रवीण हेलो क्या कर रहा है, बस उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं, गायब हो गए। उनको बोलना पड़ता हाँ भाई डुओ करना है, कहाँ गया भाई, क्या हो रहा है। फिर बोलता कूल डाउन चल रहा है गाइस। तो गाइस अभी भी कूल डाउन चल रहा था, तो मैंने बोला भाई राणा करना तो कर, नहीं तो मैं भाई नहीं करने वाला, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो राणा जी ने फिर अपनी तीसरी आईडी निकाली, पता नहीं कहाँ से निकाली, जेब में हाथ डाला था, फिर उन्होंने निकाली आईडी और उस आईडी से इनवाइट किया हम दोनों को गाइस। तो हम दोनों का सबसे प्लस पॉइंट ये है गाइस कि हम लोग अल्ट्रा फ्रेंड के ऊपर हैं गाइस, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना तुम लोग, अल्ट्रा फ्रेंड के ऊपर हैं हम लोग हैं। और गाइस फ्रेंड वाला जो होता है, फ्रेंडशिप वाला जो होता है गाइस, उसका जो बोनस होता है बैटल फील्ड में वो काफ़ी ज़्यादा होता है गाइस। अगर हम लोग बेस्ट फ्रेंड होते तो और भी अच्छा रहता गाइस। तो गाइस जैसे कि हम दो को लड़ रहे हैं गाइस, कितनी अच्छी बात है, मतलब हम लोगों को स्पूफिंग की ज़रूरत नहीं है। किसी के भी घर के पास कोई भी रेड हो, एक दूसरे को इनवाइट करो एंड गेम खल्लास, पोकेमोन आ जाएगा गाइस। तो गाइस सबसे बढ़िया बात इस रेड की ये है कि ये रेड जो हम लोग लड़ रहे हैं गाइस, ये इसमें रॉक टाइप पोकेमोन यूज़ कर रहे हैं गाइस, रॉक टाइप पोकेमोन यूज हो रहे हैं। प्लस ये वेदर बूस्टेड रेड है गाइस, मतलब ये जो वेदर है ये रॉक टाइप के अगेंस्ट वाला वेदर है, ठीक है गाइस। ये वेदर है फ्लाइंग टाइप, फ्लाइंग टाइप मतलब जो हमारे सामने मोल्ट्रेस है इसका यहाँ पर एडवांटेज है, तो इसके अगेंस्ट जाके हम लोग लड़ रहे हैं गाइस। तो पहली बात तो ये, दूसरी बात अगर आप वीडियो पे ध्यान दोगे तो राणा जी दिख ही नहीं रहे, मतलब इतने बड़े पोकेमोन के पीछे कहीं छुप गए राणा जी गाइस। तो अभी दिख रहे हैं गाइस, बट बीच बीच में ध्यान देना गाइस, राणा जी मुझे दिख ही नहीं रहते। मैं मतलब मैच में टैप टैप कर रहा हूँ, कोई और काम ही नहीं है इधर, सिर्फ टैप टैप करना होता है गाइस। तो मेरा ध्यान क्या पूरे स्टेडियम में घूमता रहता है, तो मैंने देखा राणा जी कहाँ गए यार, राणा जी गायब हो गए। सो गाइस अगर आपको भी ऐसे करना, अगर आपको भी जीतना है गाइस, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा गाइस। सबसे पहली चीज़ गाइस ये कि जिस पोकेमोन से आप लड़ने जा रहे हो रेड में, उसकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है गाइस, सबसे बड़ी वीकनेस को टारगेट करना पड़ेगा गाइस। तो मोल्ट्रेस के बारे में अगर आपको कुछ जानना है तो मैं आई बटन पर लगा दूंगा वो वाली वीडियो, उस वीडियो में मैंने बता रखा है कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सो गाइस अभी आप देखेंगे तो 45% गेम हो चुका है और यहाँ पर हम लोगों को लग गया था नज़र कि मैं हम लोग जीत जाएंगे गाइस। एक्चुअली में क्या होता है, स्टार्टिंग में ना डैमेज ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है गाइस, बाद में डैमेज कम होता है। अभी यहाँ पर क्या है कि मेरे सारे पोकेमोन फैंट हो जाएंगे, सारे पोकेमोन मतलब बेहोश हो जाएंगे गाइस, फिर उनको मैं मलम पट्टी भी लगाऊंगा गाइस। और गाइस एक ग्लिच और है गाइस, यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर लिखा है दो, मतलब हम दो लोग हैं इस रेड में गाइस, बट आपको एक बात बता देता हूँ गाइस, इस रेड में सच में दो ही लोग हैं, बट जब मैं फैंट होके बाहर जाऊँगा तो वहाँ पर तीन लोग दिखा रहे हैं गाइस। तो वो थोड़ा सा मतलब मुझे भी लगा यार ये क्या दिखा रहा है यार, वीडियो ख़राब कर रहा है ये तो यार, राणा जी की आईडी यार हटने का नाम ही नहीं ले रही। सो गाइस यहाँ पर आप देखेंगे गाइस 50% मैच होने वाला है और हम लोगों ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया गाइस, काफ़ी अच्छा खेला है। राणा जी के पोकेमोन काफ़ी पावरफुल लग रहे हैं गाइस, क्योंकि अपने तो है, अपना पोकेमोन तो मतलब बढ़िया मतलब है ही यार, अपने को किस बात की कमी है। तो अभी देखेंगे राणा जी गायब है, मेरे को तो स्क्रीन पर राणा जी दिख ही नहीं रहे थे, पूरी वीडियो मैंने देखी यार राणा जी कहाँ चले गए यार, वो बीच बीच में उनके पोकेमोन दिखते हैं बीच बीच में नहीं। तो ये कुछ ग्लिच है या फिर राणा जी फैंट हो गए थे, दवाई लेने गए थे, पानी वानी पीने गए होंगे गाइस। सो गाइस इन छः पोकेमोन्स में सबसे वीक पोकेमोन शायद से यही मैंने लिया है गलती से, इस पर मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि इसके पास दोनों इलेक्ट्रिक टाइप अटैक्स हैं गाइस, और इलेक्ट्रिक भी इसकी वीकनेस है, बट अगर इसके पास भी रॉक टाइप अटैक होते तब एक अलग ही बात होती गाइस। तो इस रेड से पहले मैंने थोड़ा परफॉर्म भी किया गाइस, मतलब परफॉर्म बोल रहा हूँ, थोड़ा मैंने पोकेमोन के अटैक्स को चेंज किया गाइस, जैसे कि रिपीरियर के दोनों अटैक मैंने रॉक टाइप कर दिए, स्मैकडाउन और स्टोन एज था क्या था यार, तो उसका चेंज, गीगालिथ का सुपर पावर हटा दिया मैंने, उधर भी मैंने स्टोन एज लगा दिया गाइस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था गाइस,
और इसका आपको फर्क दिख रहा होगा बैटल में गाइस। तो अभी क्या मेरे पोकेमोन फेंट हो गए, और गाइस मैंने यहाँ बहुत टाइम लगाया मैंने, यहाँ तीन बंदे दिख रहे हैं, तीन बंदे एक्चुअल में है नहीं गाइस। मैंने आराम से भैया पोकेमोन पावर अप किए, उसके बाद उनको ढूंढा भी है, सर्च भी किया है, और फिर ऐड किया, फिर गया हूँ गाइस। मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था कि हम जीतेंगे ही जीतेंगे। अब मैं उनको सर्च कर रहा हूँ गाइस, एक एक को देख रहा हूँ कहाँ बैठे हुए है, और उनको फिर बिल्कुल आराम से गाइस आप देखेंगे 62 सेकंड कुछ थे गाइस पूरे, मैंने यहाँ पर 62 से ज़्यादा थे गाइस, पूरे 20 सेकंड मैंने वेस्ट किए वहाँ पर, बल्कि ज़्यादा ही किए होंगे गाइस। तो गाइस अब देखिए बिल्कुल मतलब मैच मस्त हो गया। बस मैं यही सोच रहा था गाइस, इतनी मेहनत की है यार, शाइनी मिल जाए, हुंडू मिल जाए, शुंडू मिल जाए, कुछ तो मिल जाए। तो गाइस आप देखते रहना, आपके लिए कुछ सरप्राइज। सो गाइस डुओ पॉसिबल है, हम जैसे लेवल के लोगों के लिए भी डुओ पॉसिबल है गाइस। तो गाइस मेरा लेवल 38 है, राणा जी का भी लेवल लगभग 38 होने वाला है गाइस, और हम लोगों ने इसको 14 सेकंड में पहले ही ख़त्म कर दिया गाइस। तो गाइस अभी देखो बोनस तो कुछ खास नहीं मिले, बट मज़ा आ गया गाइस। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे डैमेज के मिले चार पॉकेबल्स मिली है गाइस, और भी काफ़ी चीज़ों के देखें, पढ़ लेना आप लोग। तो यहाँ पर सुंडो का सपना ख़त्म हो चुका गाइस, सुंडो नहीं मिलने वाला है, शाइनी और सुंडो का सपना ख़त्म हो गया गाइस। अब सपना बचा है हुंडो का भैया देखना गाइस। तो ये पहला थ्रो बिल्कुल मतलब सिफारिश वाला थ्रो था गाइस, पता नहीं लग गया से गया। और ये है भैया, काफ़ी जल्दी पकड़ लिया मैंने इसको, मैं आपको बता देता हूँ काफ़ी जल्दी पकड़ लिया मैंने इसको, पता नहीं कैसे बट काफ़ी जल्दी, शायद दूसरी या तीसरी बॉल में आ गया गाइस, दूसरी में ही आ गया गाइस। वाओ। सो गाइस कैसी लगी वीडियो कमेंट करना गाइस, और डुओ हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे गाइस। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, हमारे गाइस बाय बाय, लव यू ऑल।